वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ CHS क्लास 9th के सिलेबस स्ट्रेटेजी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, उनकी तैयारी आप कैसे करेंगे, क्या मार्किंग स्कीम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाए ताकि हम CHS को क्वालिफाई कर ले जाए क्लास 9th के लिए। मैं पिछले 6 सालों से CUET BHU CHS एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं, लाखों बच्चों को अभी तक गाइड करा है। मैंने खुद अपनी पढ़ाई CHS और BHU से करी है तो मैं आपको बेहतर वे में गाइड कर सकता हूं कि कैसे आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, डिटेल में पूरा समझेंगे, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। पूरी वीडियो को देखिएगा तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको क्लास 9th के बारे में मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं या आपका कोई छोटा भाई बहन या सगा संबंधी क्लास 8th में पढ़ रहा है और 9th से BHU में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए BHU एग्जाम कराती है और उस एग्जाम को CHS एग्जाम बोलते हैं और उसी एग्जाम की हम सिलेबस स्ट्रेटजी और सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज कि क्या होता है मार्किंग स्कीम, कितने क्वेश्चन आके सवाल आते हैं, कितना क्या एक क्वेश्चन सही करने पर कितना नंबर मिलेगा, गलत करने पर क्या होगा, कितना टाइम मिलता है पेपर में, कितने सीट है CHS क्लास 9th के लिए, एग्जामिनेशन किस मीडियम में होता है, ठीक है, और क्या टाइम ड्यूरेशन होता है और किन कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप BHU CHS क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा और अगर कोई डाउट नहीं बचेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस देखिए, आपके 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं उसे, ठीक है। इन 5ों का डिटेल सिलेबस हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट हम सबसे पहले चालू करते हैं, ठीक है ना। तो मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, अगर आपके सामने तो 100 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 300 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिलता है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब एक भी अगर क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो माइनस नहीं होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। टोटल जो टाइम मिलता है वो 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट का समय मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। सीट्स की बात कर लेते हैं, सीट्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है, हजारों बच्चे, कम से कम 50,000+ बच्चे इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, ठीक है। उसमें CHS जो है बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स है उनका, ठीक है। जैसे हमने अपनी पढ़ाई CHS से करी है तो मैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में पढ़ता था, वैसे ही गर्ल्स स्कूल भी है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, दोनों है BHU के ही बट कैंपसेस अलग अलग है तो दोनों में सीट्स भी अलग अलग है। जैसे बॉयज के लिए 100 सीटें हैं, गर्ल्स के लिए 6 सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं गर्ल्स के लिए, तो थोड़ा गर्ल्स के लिए कॉम्पिटिशन यहाँ पे ज्यादा है। एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब आपका पेन पेपर एग्जाम होगा, सेंटर होगा और सेंटर ज्यादातर वाराणसी में ही पड़ता है, BHU के अंदर या कोई BHU के या स्कूल CHS के अंदर होता है या आपका कोई प्राइवेट स्कूल होते हैं उन्हीं के आसपास ही होता है, ठीक है। सारा सेंटर जो एग्जाम होता है वाराणसी में ही होता है तो आपको एग्जाम बनारस में देने आना होगा, ये स्कूल भी बनारस के अंदर ही है, ठीक है, एक ही जगह पे ये स्कूल है। आप वहां पे पेपर मिलेगा, आपको गोला भर भर के पूरा पेन पेपर मोड से OMR मेथड से करना होता है। अगर इस पे डिटेल जानना चाहते हैं OMR के बारे में तो कमेंट करिएगा, हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। 2 घंटे की ड्यूरेशन के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। देखो, तुम क्लास 8th में होने चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है, मतलब तुम क्लास 8th का एग्जाम इस साल देर पढ़ रहे हैं, अगर जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और अगली साल क्लास 9th में जाने वाले हैं तो आप इलिजिबल है बाबू, ठीक है। लेकिन अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो आप इलिजिबल नहीं है, या आप 7th में पढ़ रहे हैं तो इलिजिबल नहीं है, ठीक है। मिनिमम क्लास 8th आपको पास होना चाहिए, मतलब मार्च में आपका एग्जाम हो जाता है तो मार्च के बाद तक आप पास हो जाने चाहिए 8th में, ठीक है, या 8th में आप पढ़ रहे हैं, अपियरिंग है तो भी आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्स के साथ साथ एज की एलिजिबिलिटी, कि आपकी उम्र 13 साल से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, ना 13 साल से कम होनी चाहिए ना 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए। बट कब, किस दिन से आप मिलाएंगे, तो आप जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपको, ठीक है, तो ये वीडियो जब तक मैं बना रहा हूं, ठीक है, शुड नॉट बी बिफोर 30/9/2009
एंड आफ्टर 39/2011, जैसे ये वीडियो में 2023 के लिए 23 के ब्रोचर के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपका, ठीक है, 30/9/2009, ध्यान से सुनिएगा, 30/9/2009 से पहले का उम्र नहीं होना चाहिए, मतलब 30/9/2009 के बाद का होना चाहिए और 30/9/2021 के 21 से पहले का होना चाहिए, इनके बीच में अगर आप आते हैं तो इलिजिबल है। बाकी जब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, ठीक है, ये 2023 के अकॉर्डिंगली है, ठीक है, 24 के अकॉर्डिंगली ये 10 कर लेंगे और ये 12 कर लेंगे, ठीक है ना। 24 के अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे, ये 10 कर लेंगे और ये 12 कर लेंगे, ठीक है। तो उसी का अकॉर्डिंगली आपका यहां से आप एज मिलाओगे तो 13 से 15 साल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का एज 8th क्लास में इतना ही होता है, लेकिन अगर आपका एज ज्यादा है तो आप इलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आप अगर एज अपना कम करा सकते हैं तो कम कराइए, या जैसे भी प्रोसीजर हो, आपका एज 13 से 15 साल मैक्सिमम आना चाहिए उस दिन, उस साल, जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके 30 सितंबर, उसके उस साल के 30 सितंबर तक। जैसे अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हो तो 30 सितंबर 2024 तक आपका उम्र 13 साल या 15 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं सिलेबस की, बात करते हैं, अभी हमने बताया आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, ठीक है, आपका साइंस, ये सारे आने हैं। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि हर एक में क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, हिंदी में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, और हम लोग जिस तरीके से आपको तैयारी कराने वाले हैं, इस चैनल पे गाइड करने वाले हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमने खुद पढ़ाई करी है तो मुझे आइडिया, मैंने वो एग्जाम दिया है। बाकी हम लोग साल हर साल बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, पिछले साल ऑनलाइन माध्यम से तैयारी भी कराई थी बैचेज में अपने ऐप के माध्यम से, ठीक है। तो हमें पता है कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन CHS में बहुत आते हैं, ठीक है। तो आपको भाषा और वर्ड विचार पढ़ना होगा, हिंदी व्याकरण कुछ पढ़ना होगा, शब्द विचार पढ़ना होगा, शब्दों की समान अशुद्धियां, विलोम शब्द पढ़ना होगा, ठीक है, श्रुति संविनाथक शब्द पढ़ना होगा, पर्यायवाची, अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द, इन सब से एक एक दो दो क्वेश्चन आप पक्का आते हैं, ठीक है। तो आपको हम पूरा एक सेट देते हैं, जैसे आप हमारे साथ अगर पढ़ते हो हमारे बैचेज में, तो हम आपको विलोम शब्द की पूरी 200 विलोम शब्द दे देते हैं कि इनको याद करना है, और उनको समझा समझा के बताते हैं कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर बात करेंगे तो उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यों की समान, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, कुछ रचनाएं, यही जो डिटेल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम्स में सवाल आते हैं, ठीक है, सबसे एक एक दो दो सवाल आते हैं। संधि समास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वहां से एक दो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ जाते हैं, बाकी आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपको पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, संधि समास हर एग्जाम में आता है, लेकिन आपके एग्जाम का जो लेवल होगा वो 8th लेवल तक ही होता है, ठीक है। बड़े से बड़ा एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पे भी दोगे तो वहां भी यही चीज आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम चीज, सेम ही कंसेप्ट आएगा, सेम ही चीजें सवाल आएंगी, क्योंकि आपका लेवल तो छोटा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि संधि समास दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि संधि समास में एकदम डिटेल में क्वेश्चन आएंगे, आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो रिपीटेड होते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सा समास है, इस तरीके से आने वाला है, ठीक है, कि मुहावरे लोकोक्ति आ जाएगा, ठीक है ना, कि जैसे आपको बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, ठीक है, जो आप अगर रेगुलर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो सेम हिंदी में जिस तरीके का सिलेबस है, जो टॉपिक्स आते हैं वही इंग्लिश में भी आते हैं। जैसे देखिए, ग्रामर हो गया आपका, यहां तक आपका ग्रामर हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद टेंस हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब ग्रामर में ही आ जाते हैं हालांकि, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसी से मेजर क्वेश्चन आपके इसी से होते हैं, ठीक है। फिर एक्टिव पैसिव वाइज से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आ जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच से आ जाते हैं, जो मुहावरे लोकोक्ति है वो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, पर्यायवाची और विलोम जो वहां पे है वहां सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द है वो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स, फ्रेजेस हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स से आपके सवाल आते हैं, ठीक है। एक एक दो दो टॉपिक्स आते हैं, बाकी डिटेल जब हम बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट्स की तो उसमें एग्जांपल के साथ भी बताएंगे, अभी बताएंगे एग्जांपल के साथ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब हम बस इंग्लिश का सिलेबस बताएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे कि अगर सेंटेंस एंड इट्स टाइप का सवाल आएगा तो कैसा आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का सवाल आता है तो उसमें किस तरीके के सिनोनिम्स आते हैं, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो देखो मैं मेजरली आपको बताता हूं, जो सिलेबस मेजरली आपका होता है, ठीक है, साइंस मैथ्स का, वो 8th क्लास की एनसीईआरटी, 7th और 8th की एनसीईआरटी होती है, उसी का सिलेबस होता है, कुछ पोर्शन 9th के आते हैं, लेकिन 9th के एक्चुअली होते नहीं अगर आप ढंग से ध्यान से देखोगे तो, जो आप 7th में पढ़ते हो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट।
थोड़ा सा डीप में, थोड़ा सा ज्यादा उसी टॉपिक्स को नाइन्थ में पढ़ाया जाता है और उससे थोड़ा और ज्यादा इलेवेंथ में पढ़ाया जाता है। तो सेवेंथ वाले टॉपिक का ही थोड़ा लेवल बढ़ा के आपसे पूछ दिया जाता है। तो अगर सेवेंथ और एट्थ की एनसीईआरटी आप ढंग से पढ़ते हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग का गाइडेंस रहेगा ही, आपको बताया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे गाइडेंस में पूरा पढ़ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप हमारी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, जिसके फीचर्स आपके सामने लिखे हुए हैं नाइन्थ और इलेवेंथ दोनों क्लास के लिए, ठीक है, जिसमें आपको डिटेल में हर एक टॉपिक जो हम बता रहे हैं, चैप्टर्स जो बता रहे हैं, उसके थ्योरी क्लास दिए जाएंगे, उसके बाद हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, मतलब जो आपको पढ़ाया गया उस पे 50-100 क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आप प्रैक्टिस करके देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको समझ आया कि नहीं आया। फिर जब पूरा पढ़ा दिया जाएगा तो जैसा सीएचएस का पेपर आता है वैसे ही फुल टेस्ट आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्यूशन फॉर्मेट में दिए जाएंगे और हर तरह की आपको सपोर्ट दी जाएगी स्पेशल नंबर के द्वारा। और मात्र फीस है इसका 2500 रुपए, ठीक है, मात्र और मात्र इलेवेंथ की फीस है 2500, नाइन्थ की फीस है मात्र 2000 रुपए, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो आपके सामने। दूसरी बात, अगर आप हमारे यहाँ वाराणसी में आके पढ़ना चाहते हो, घर बैठे भी पढ़ सकते हो, मोबाइल ऐप हमारा डाउनलोड करो बेसिक शिक्षा और वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप वाराणसी में हैं या वाराणसी आके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं, दुर्गा कुंड में है जो वाराणसी के अंदर, वहां पे आप आके पढ़ सकते हैं हमसे, जो डायरेक्ट हम आपको बैठा के अपने क्लासरूम में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, मैथ्स की जो हम बात कर रहे थे। तो देखिए मैथ्स के सिलेबस में टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं, जो भी टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, कंपैरिजन। अब परसेंटेज में आपको परेशानी हो ना, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, एट के एनसीईआरटी में, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना है और हम बताएंगे कहां तक लेवल आपको बढ़ाना है। टाइम वर्क स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स आपके सामने दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिटेल में हम एक एक सब्जेक्ट का जब सिलेबस लाएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से। साइंस में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर मैं बांट के आपको दिखाऊं तो देखिए फिजिक्स के टॉपिक है मोशन, फोर्स, प्रेशर, साउंड, हीट, ये सारे एट्थ और सेवेंथ के टॉपिक है। ऐसे केमिस्ट्री के टॉपिक जो एट्थ के है एसिड बेस, नाइन्थ के, एट्थ के कुछ नाइन्थ के भी टॉपिक है जो सेवेंथ में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो है, ठीक है। ऐसे देखिए बायोलॉजी के टॉपिक्स है जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। सोशल साइंस में आपके सामने, सोशल साइंस में थोड़ा खास बात है ध्यान देने वाली है, ठीक है, कि सोशल साइंस में जो क्लास एट्थ की सोशल साइंस है आपके सामने हिस्ट्री पॉलिटी, उससे बस सवाल नहीं आता है, उसमें कुछ टॉपिक्स है आपको जीके पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, आपको जीके पढ़ना पड़ता है जो जीके एक्चुअली है, ठीक है, स्टैटिक जीके का पोर्शन, ठीक है। तो ये सारे जीके के पोर्शंस हैं जो आपको आते हैं, ठीक है ना, जितने मुगल पीरियड, दिल्ली सल्तनत के पीरियड्स, ठीक है, एंशियंट इंडियन की डायनेस्टी, वो सारी चीजें, वैसे ही ज्योग्राफी का आपको सोलर सिस्टम, अर्थ, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज के बारे में डिटेल में हम एक सिलेबस भी लेके आएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। बाकी एक सिंपल सा टॉपिक आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे हम क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले साल हमारी गाइडेंस में, ठीक है ना, नाइन्थ क्लास में 22 बच्चे, 106 में से 22 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए सेलेक्ट हुए हैं, जिनको हमने गाइड किया या पढ़ाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस मेथड से, और वो बच्चे आज पढ़ रहे हैं सीएचएस में। तो आप भी सिक्योर करना चाहते हो तो अभी बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करो और अभी से पढ़ाई अपनी चालू कर दीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम कैसे अपनी तैयारी को इतना सुदृढ़ करें, इतना स्ट्रांग करें कि मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाए, उसके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक आपका इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है ना। पहला चीज है पीवाईक्यू, दूसरा है प्रैक्टिस, और तीसरी चीज आपकी जो होने वाली है वो है आपका, ठीक है, थ्योरी क्लास, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जितने 5 से 6 साल का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं, ठीक है, लेकिन कब करने हैं, पहले उससे आपको थ्योरी क्लास पढ़नी है, ठीक है, कि पहले सब्जेक्ट का नॉलेज आपको हो जाना चाहिए। हम अगर साइंस पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हर एक चैप्टर का पहले हमें नॉलेज हो जाए। जैसे हमने पढ़ा हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। PYQs लगाने पे क्या होगा, हम देखेंगे कि एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये हमने देखा। अब इसमें भी देखिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इसका क्या कौन सा आंसर है बस ये नहीं खोजेंगे, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 3 ऑप्शन का क्या मतलब है ये भी हम सोचेंगे। मतलब एक क्वेश्चन से हम PYQ के 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे,
तब जाके आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो थ्योरी पढ़ के आप यहाँ आए, PYQs कुछ एक क्वेश्चन के चार क्वेश्चन लगा के यहाँ आए, और उसके बाद जब इतना कर लिया तो आप कंप्लीट हो चुके हैं आपका नॉलेज। इसको अपने आप को टेस्ट कर लीजिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से या टेस्ट से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेगुलर आप ये बात करते हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं लेगा। ये तीन चीजों को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो, बाकी समय से समय हम आपको बताने के लिए हमारे चैनल पे रहेंगे सारे मेंटर्स कि आपको किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियोस को, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। और अगर आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसमें CHS सेलेक्ट करना होगा, ऊपर में कैटेगरी CHS BHU सेव करना होगा, फिर कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे और यहाँ अपने कोर्स को सेलेक्ट करके यहाँ से कोर्स बाई कर लेंगे और आपको वीडियोस दिखने लगेंगे और आप हमारे क्लास में इनरोल हो जाएंगे। तो होपफुली आपको 9th के क्लास CHS 9th के क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो मार्किंग स्कीम हो, चाहे वो सिलेबस हो, सारी जानकारी आपको हो गई होगी। अगर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई आपके मन में डाउट आ रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।